मोतीनगर विधानसभा से आप विधायक शिवचरण गोयल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने इलाके अंतर्गत पंजाबी बाग रिंग रोड पर फ्लाईओवर की सौगात पर चर्चा करते हुए तमाम उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नीट परीक्षा, दिल्ली में पानी की कमी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार इसे घोटाला मानने को तैयार ही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार दिल्ली सरकारी स्कूलों के 1414 छात्रों ने नीट परीक्षा में जगह पाई है। ये दिल्ली सरकार की शानदार नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में पानी के लिए क्या दिल्ली के सांसदों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? जब हिमाचल पानी दे रहा है तो हरियाणा पानी क्यों रोक रहा है? क्या सांसदों को केवल आरोप लगाने के लिए दिल्ली की जनता ने चुना है? उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में आज उनके प्रयासों की बदौलत 91 ट्यूबवेल हैं, जो लगातार क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान विधायक शिवचरण गोयल के कई रूप देखने को मिले। जहां एक ओर उन्होंने अपने विकास कार्यों पर चर्चा की, तो वहीं दिल्ली सरकार के साथ अनबन में चल रही केंद्र सरकार की कई नीतियों पर जमकर हमला बोला। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ईस्ट पंजाबी बाग से वेस्ट पंजाबी बाग तक के लिए एवं सुदर्शन पार्क से पंजाबी बाग क्लब तक के लिए अंडरपास बनवाया जा रहा है, जिससे पैदल यात्रियों को सुविधा पहुंचेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के पास बने फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वही हॉस्पिटल में भी अभी 272 बेड है और आने वाले समय में वह अस्पताल 452 बेड की सेवाएं जनता को देगा, जिससे क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ना हम रुके थे ना रुकेंगे, और जिस तरह पहले काम किया है उसी तरह आगे भी काम करेंगे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।